मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा नहीं कहलाता। असली धोखा तो वो था जब मैंने उसकी शादी के 6 रिश्ते तुड़वाए और फिर उसका पति बन बैठा और उसके साथ मैं बन गया टैक्सी कंपनी का मालिक। यहीं से शुरू हुई थी मेरे धोखेबाजी की कहानी। ये लो मेरा फोन, हर 5 मिनट में मेरी बीबी के मन में प्यार जगेगा और वो मुझे फोन करेगी। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि मैं रुद्र तांडव करने मंदिर में आया हूँ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो तुम संभाल लेना, बस सच मत उगलना। मतलब झूठ बोलूं? सच से वफादारी निभाओगे या अपने बॉस से बेईमानी करोगे? आपने मुझे नौकरी दी है बॉस, मैं आपका वफादार रहूंगा। तुम्हारी वफादारी मेरी बीवी जैसी है। गर्ल्स, हेलो लक्ष्मी मैडम, तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? वो तो डांस कर रहे हैं। उन्हें कहना वो उपवास का खाना खा ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खा रहे हैं। उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। कुछ तो पी रहे हैं वो। पब में कमरा जैसे कमर वाली आइटम कहां से आ गई? हाँ, ये वाली ठीक है। ये डांसर्स हैं या बाउंसर्स हैं? बॉस, आप कहाँ हैं बॉस? बॉस, क्या हुआ बॉस? शांति दो, मुझे शांति दो। अभी तो मिल गई ना बॉस, लेकिन हुआ क्या बॉस? कमीने, हर सुबह हर शाम मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे वफादार हो या नहीं, तो हर बार तुमने अपनी मुंडी हो करके हिलाई। इतने तो मुझे भी खुद के सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं था जितने तुमने उगलवा लिए। वाय, किस लिए, क्यों? बॉस, पता है लक्ष्मी मैडम ने फोन पर क्या कहा था? उन्हें कहना थोड़ा जॉल भी पी ले। वो कुछ तो पी रहे हैं। भैया, आप उनका ध्यान रखोगे ना? तुम क्या कह रहे हो, धोखा देने वाला एंगल इसमें कहाँ से आ गया? आप ठीक से समझे नहीं बॉस, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। भैया, आप उनका ध्यान रखोगे ना? आपने मुझे क्या बुलाया? भैया, 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 भैया का तो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ बॉस। ओह नो। हाँ बोलो बहना। अब ये कौन है? मेरी रियल सिस्टर है। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारी अपनी एक पर्सनल बहन है तो मेरी बीवी को बोनस में एक्स्ट्रा बहन क्यों बना लिया? तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, एक दिन कोई तुम्हारी लाइफ बॉइल कर देगा। सर, सर, सर मैं वो आदमी नहीं हूँ। कोई गलत फहमी नहीं, तू ही वो कमीना खबरी है। खत्म कर दो कुत्ते को। ऐसा मत करो सर, सर मेरे कुत्ते की मछलियों को खिला देना। कोई गलत फहमी है सर, सर मुझे जाने दो सर। कौन है रे? सर,
सर, तो अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर, सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर, सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर, सर मुझे उनसे मिलने दो ना सर, अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर, सर मेरे पास सुनो सर, इसको समझाओ ना सर, डालो सर, मैम सर भैया कहाँ हो? रात के 1:30 बजने को आए, आप अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? I'm sorry त्रिशा, मेरे साथ एक विदेशी पैसेंजर है, वो टैक्सी में बैठ तो गया, अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, एक बार जब वो जाएगा तो मैं भी घर आ जाऊंगा। भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ, आवाज मत करना सर। भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया, अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे तो वो घर आकर खाना खा लेंगे, उन्हें छोड़ दीजिए सर। वो तुम्हारी बात मान गए त्रिशा, अब वो जा रहे हैं। हाँ छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, CBI, पुलिस, जानना चाहता है कौन हूँ मैं? कितनी देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको, कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है, पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ अभी भी भूख मिटी नहीं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं, थोड़ा और दो। किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया। ये काम किसी पुलिस वाले का लगता है। ये पुलिस का काम नहीं है, वो सुनामी बनकर आया और सबको मौत के घाट उतर कर चला गया। Nothing is organized here, ये किसी शातिर का काम है। सबूत का एक निशान तक नहीं छोड़ा, क्राइम की दुनिया के रग रग से वाकिफ है वो। आई थिंक इज अ कट थ्रोट क्रिमिनल। तुम्हारे भाई साहब को बताना चाहिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि छोटे की मौत की खबर तुम भाई तक पहुंचाओगे? उससे पहले उसकी लाश भाई के पास पहुंचनी चाहिए। कौन है वो? बड़ी शौक से पंगा लिया है उसने, अब तक तो वो कोलकाता से बहुत दूर जा चुका होगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है मुझे मारने के लिए वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश में होगा। इससे पहले कि मुझ पर वार करे
उसे ढूंढकर उसकी बॉडी पे लाखों घाव दूंगा। त्रिशा देखो जरा कौन है। जी भैया देखती हूँ। अर्जुन सर आप यहाँ? ये तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे इसलिए यहाँ ले आया। हाँ। मॉम ये त्रिशा। कैसी हो बेटी? मम्मी पापा। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आप लोग आइए अंदर बैठिए ना। भैया आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? तुम बस यहाँ बैठो हमारे साथ, तुमसे एक बात करनी है। बताइए ना आंटी। देखो आंटी बोलिए ना। सुनिए आप ही बात कीजिए ना। बेटा हम कहना चाह रहे थे कि आप तो बोलिए ना अंकल। तुम ही बोलो ना। एक्चुअली मैं क्या तुम और मैं अरे आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मॉम आप ही पूछ लो ना। मैं पूछूं? हाँ आंटी कह ही डालिए। एक बात बताओ क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बस इतनी सी बात, उसके लिए इतनी टेंशन। भैया गणेश दृशा के लिए ये लोग अपने बेटे की शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। बैठिए ना। हमें गलत मत समझिएगा, हम बिना बताए आ गए। हमने अर्जुन के लिए बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपकी बहन जैसी नहीं थी। बजाय उसकी जैसी लड़की ढूंढने के हम उसी का हाथ मांगने आ गए। हमें अर्जुन ने बताया कि अभी तक त्रिशा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अगर तुम्हारी बहन पढ़ाई कर सकती है तो हमारी बहू क्यों नहीं? वो घर में बहू की तरह नहीं हमारी बेटी की तरह रहेगी। आप उसका जितना ख्याल रखते हैं शायद मैं ना रख पाऊं लेकिन उस पर कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। देखिए ये सिर्फ हमारी इच्छा है, आप एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिए, अगर वो हाँ कहेगी तो ही हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की आदत है, आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ और अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा, जो भी है उनसे कह दीजिए। देखो गणेश इतना मत सोचो, रिश्ते के लिए हाँ कर दो।